नमस्कार दोस्तों, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज में आज कवर करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इसको तीन मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा, यूएस और ग्रीनलैंड वाला पार्ट है। ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया और ये ग्रीनलैंड हो गया। इन तीनों को मिला के उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। दूसरा पार्ट हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मध्य अमेरिका, जिसमें मेक्सिको से लेकर ये जो सारे देश हैं, मध्य अमेरिकी देश हैं, ये सारे इसमें कवर होते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो कैरेबियन देश है। ये देखिए, यहाँ पे जो कैरेबियाई सागर है, इसमें ये जो देश हैं, ये सारे देशों को कैरेबियन सागर देश कहा जाता है। तो जब भी हम उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की बात करते हैं तो ये सारा जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट है, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। मेक्सिको को कई बार पॉलिटिकल रूप से उत्तरी अमेरिका के साथ काउंट किया जाता है, कई बार मध्य अमेरिका के साथ किया जाता है, लेकिन हम सिर्फ अभी ज्योग्राफी और लोकेशंस देख रहे हैं तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है उत्तरी अमेरिका, मध्य और कैरेबियाई देश। अब हम इस महाद्वीप की इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार आप महाद्वीप के चारों तरफ देख लीजिए। देखिए, ऊपर ये आर्कटिक सागर है, इसके पश्चिम में इधर यहाँ प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है और नीचे दक्षिणी अमेरिका, जिससे यहाँ मध्य अमेरिका का पनामा देश जुड़ा हुआ है। तो ये इसके आसपास की लोकेशन है। अब इसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उन पे हम नज़र डालते हैं। पहला है बेफोर्ट सागर, बेफोर्ट सी। ये देखिए, आर्कटिक सागर से नीचे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये बेफोर्ट सागर है। बस आपको लोकेशन और नाम ध्यान में होना चाहिए प्रिलिम्स के हिसाब से। अभी हमारा एंगेजमेंट जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से भारत का लगातार बढ़ रहा है, इस कारण प्रिलिम्स में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो पार्ट है वो बेफिन की खाड़ी। ये देखिए, ये ग्रीनलैंड है और ये कनाडा वाला पार्ट है। इसके बीच में ये जो खाड़ी है, इसको हम बेफिन की खाड़ी कहते हैं, बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप जो है, बेफिन की खाड़ी के पास ही बेफिन द्वीप है, ये कनाडा का द्वीप है। बस आपको लोकेशन ध्यान में रखनी है, नाम ध्यान रखना है। अगला जो पार्ट है ये है हडसन की खाड़ी। देखिए, ये बीच में जो पार्ट है कनाडा के बीच में जो खाली जगह है, इसको हडसन की खाड़ी कहते हैं। डेविस जल संधि है, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। ये देखिए, डेविस स्ट्रेट, ये जो कनाडा का बेफिन द्वीप है और ग्रीनलैंड है, इन दोनों के ये बीच में है। मीन्स ये ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है और बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो लेब्राडोर सागर भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से ही लेब्राडोर की ठंडी धारा है वो भी निकलती है। तो ये लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला है बेरिंग सागर। देखिए, ये यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, जो कि ये उत्तरी अमेरिका में, ये अलास्का राज्य है अमेरिका का, यूएसए का राज्य है अलास्का वाला पार्ट, और यहाँ पे ये रसिया है। तो मीन्स ये बेरिंग जल संधि है वो रसिया और यूएस को अलग करती है। और ऊपर ये चुस्की सागर है, चुस्की सागर आर्कटिक सागर का भाग है। तो चुस्की सागर और नीचे बेरिंग सागर है, इन दोनों को यह जोड़ती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, देखिए ये यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेंट लॉरेंस जो नदी है, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। देखिए, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है। इस बॉर्डर पे जो ग्रेट लेक्स हैं, उनमें से चार लेक्स हैं, उन लेक्स के बाद में सेंट लॉरेंस नदी है। तो सेंट लॉरेंस नदी उन चार झीलों के साथ मिलकर दुनिया का सबसे व्यस्त जो जलमार्ग है वो बनाती हैं। बहुत सारे जलयान यहाँ से निकलते हैं, पूरा इलाका ये वेल डेवलप्ड है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं, बड़े बड़े शहर जैसे टोरंटो, ओटावा, ये सब भी यहाँ पर हैं, शिकागो हो गया। तो सेंट लॉरेंस नदी की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है कि ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। ऐसे ही एक नदी है जो रिसेंटली बहुत चर्चा में रही है, क्योंकि वहाँ से जो प्रवासी हैं वो अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, रियो ग्रांडे नदी। देखिए, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं नीचे, ये मेक्सिको और यूएसए का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रियो ग्रांडे नदी है, यह मेक्सिको और यूएसए का प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है। और बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो इस नदी को पार करके यूएसए में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है न्यूफाउंडलैंड, ये ज्वार भाटा के लिए फेमस है। देखिए यहाँ पे, ये न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, इसके पास में दिन में दो बार ज्वार भाटा आता है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए यह लोकेशन फेमस है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला जो पार्ट है, वो जो हमें ध्यान में रखना चाहिए इस मैप में, वो है मेक्सिको की खाड़ी। देखिए, ये है मेक्सिको की खाड़ी, ये मेक्सिको देश है और ये ऊपर यूएसए है। मीन्स ये यूएसए और मेक्सिको से घिरी हुई है। दूसरा है फ्लोरिडा जल संधि। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये यूएसए का पार्ट है और ये नीचे क्यूबा है।
इन दोनों के बीच का जो पार्ट है यहाँ पे, ये फ्लोरिडा जल संधि है, मीन्स ये यूएसए और क्यूबा के बीच में है। अगली जो जल संधि है यूकाटन जल संधि, ये देखिए ये मेक्सिको का पार्ट है यूकाटन, और यहाँ पे ये क्यूबा का पार्ट है। तो क्यूबा और मेक्सिको दोनों के बीच में जो जल संधि है उसको यूकाटन जल संधि के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है मेक्सिको का, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे, ये वाला जो पार्ट है ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, इसके अंदर जो खाड़ी है इसको कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं। तो इनकी लोकेशंस आपको ध्यान में रखनी है। अलास्का जो है वो हमारे प्रिलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यहाँ पे ये जो पार्ट है ये यूएसए का एक राज्य है, इसकी सीमा बाकी जो मेनलैंड है यूएसए का उससे नहीं लगती है, ये कनाडा की भूमि है उससे लगा हुआ एक राज्य है, इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। रॉकी पर्वत श्रृंखला, देखिए यहाँ पे ये जो रेंज है ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में ये पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है, 4401 मीटर ऊंची है। अलास्का पर्वत श्रृंखला ये रॉकी पर्वत श्रृंखला का पार्ट नहीं है, ये अलग पर्वत श्रृंखला है। देखिए यहाँ पे अलास्का रेंज है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है देनाली है 6910 मीटर, ये है उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। एक ये फंडी की खाड़ी है, यूएस और कनाडा की जो बॉर्डर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये, इसको फंडी की खाड़ी कहा जाता है। यहाँ पे भी ये फंडी की खाड़ी भी ज्वार भाटा के लिए पॉपुलर है। अब हम इस महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण झीलों पर नजर डालेंगे। यहाँ की झीलें क्यों इंपॉर्टेंट हैं? पानी के सोर्स के अलावा ये झीलें यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नौवहन है वो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सस्ता है और काफ़ी डेवलप्ड भी हुआ है। तो कुछ कनाडा की महत्वपूर्ण झीलें हैं, देखिए ग्रेट बियर, ये यहाँ पे इसकी लोकेशन जरूर देखिएगा, ये ग्रेट बियर झील है। ग्रेट स्लेव लेक, ये रही ग्रेट स्लेव लेक, तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। अथावस्का लेक और विनिपेग लेक, तो ये आपका विनिपेग लेक है और लेक अथावस्का ये यहाँ पे है, तो इनका ऊपर से नीचे क्रम जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कनाडा के दो शहर हैं जो वेरी पॉपुलर हैं, ओटावा यहाँ की राजधानी है, ये देखिए ये यहाँ पे ओटावा है, और दूसरा वैंकूवर, वैंकूवर ये देखिए ये यहाँ पे ये वैंकूवर शहर है। यहाँ से भारतीय 1914 में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कामागाटा मारू प्रकरण जो था वो वैंकूवर ही गए थे, तो वैंकूवर और ओटावा कम से कम ये दो लोकेशन एटलीस्ट आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके अलावा कई बार हम पढ़ते हैं कि ग्रेट लेक्स क्या हैं, तो ये ग्रेट लेक्स पांच झीलें हैं जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर हैं। उनमें से एक झील मिशिगन जो है वो पूरी तरह से यूएसए में है, बाकी जो झीलें हैं ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। तो इनकी आप लोकेशन देखिए ये लेक सुपीरियर ये सबसे बड़ी झील है इनमें, उसके बाद में लेक मिशिगन, फिर लेक ह्यूरन, फिर लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये इनका सीक्वेंस है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिशिगन जो झील है वो पूरी तरह से यूएसए में है। जैसे हमारा किसी देश के साथ एंगेजमेंट बढ़ता है तो वहाँ के कुछ पॉपुलर जो शहर हैं वो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूएसए के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हम देखेंगे, शिकागो, इनकी सिर्फ हमें लोकेशन ध्यान में रखनी है, बाकी इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये देखिए ये शिकागो है, ये लेक मिशिगन है उसके किनारे पर है, शिकागो मास की बड़ी मंडी है। हॉस्टन में रिसेंटली ही हाउडी मोदी जो हुआ था उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये देखिए ये यहाँ पे हॉस्टन है, टेक्सास राज्य में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है न्यूयॉर्क शहर, तो आपको न्यूयॉर्क सिटी जो है उसकी लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी है। वाशिंगटन डीसी की लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजेल्स की लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए ये है सैन फ्रांसिस्को है, ये लॉस एंजेल्स है, यहाँ पे हॉलीवुड जो है चर्चा में रहता है वो मैक्सिमम सेटअप यहाँ लॉस एंजेल्स में ही है। अब हम मेक्सिको के सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद लगातार ये हुआ है कि मेक्सिको से जो शरणार्थी उनको रोका जा रहा है, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से जो यूएसए के राज्य हैं वो मेक्सिको के बॉर्डर पर हैं। तो पहला जो राज्य है वो कैलिफोर्निया है, ये जो आप देख रहे हैं ये कैलिफोर्निया है। दूसरा जो है एरिजोना है, तीसरा न्यू मेक्सिको, ये देखिए न्यू मेक्सिको है, और चौथा टेक्सास, जहाँ पर रिसेंटली अभी ह्यूस्टन में हाउडी मोदी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसको हम CANT, ये शॉर्ट फॉर्म में भी, कांट के शॉर्ट फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं CANT। तो ये इनकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट जो उत्तरी अमेरिका का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ग्रीनलैंड। तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का पार्ट है, उत्तरी जो अमेरिका देश है उसका पार्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। स्वायत्त क्षेत्र मीन्स कि यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ का प्रधानमंत्री होता है, वो रूल्स वगैरह अलग बना सकते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी और आईआर वाले मैटर पे ग्रीनलैंड, इस पे डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड में इंटरफेयर कर सकता है। राजधानी इस यहाँ की नूक राजधानी है, ये देखिए ये नूक राजधानी है, गोडथाब इसको कहा जाता है। इसका 3/4 जो भाग है वो स्थायी रूप से बर्फ से ढका हुआ है। रिसेंटली क्लाइमेट चेंज आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ग्लेशियर झील है उनका डेवलप हुआ है, जो कि अच्छा साइन नहीं है दुनिया के लिए और हमारे एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए। एक और प्लेस यहाँ पे पॉपुलर रहा रिसेंटली, थुले एयरबेस। यह यूएसए का, देखिए ये यहाँ पे ये यूएसए का सैन्य अड्डा है, और यूएसए के बाहर शायद यूएसए का सबसे ये गोपनीय अड्डा है, जहाँ पे कई सारे यूएसए ने मॉनिटरिंग करने के, सैटेलाइट ट्रैक करने के, मिसाइल ट्रैक करने के, इस तरह की कई सारे इक्विपमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रखे हैं। और रिसेंटली जब चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की थी तो यूएस की तरफ से विरोध किया गया था। तो ये थुले एयरबेस इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डेनमार्क जल संधि, ये देखिए ये आइसलैंड देश है और ये डेनमार्क ग्रीनलैंड है, तो इनके बीच में जो जल संधि है इसको डेनमार्क जल संधि कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, देखिए ये वाला जो ग्रीनलैंड का ये वाला जो पार्ट है ये पूरा नेशनल पार्क है, यहाँ इसको रिजर्व रखा गया है कई सारी प्रजातियों के लिए, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो आसपास की लोकेशन है उसमें डेविस जल संधि, पहले भी हमने चर्चा की, ये बेफिन की खाड़ी और इसके नीचे लेब्राडोर सागर है, तो लेब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी के बीच में है और ग्रीनलैंड और कनाडा को ये अलग करता है। इसके अलावा बेफिन की खाड़ी की लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो ग्रीनलैंड के हिसाब से, मैप के हिसाब से हमने जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब हमने इसमें कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के आईआर के हिसाब से भी और ज्योग्राफी के हिसाब से, वो है कैरेबियाई देश। इनको हम वेस्ट इंडीज के नाम से भी जानते हैं। इनको हम मोटे मोटे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेटर एंटलीज द्वीप, लेसर एंटलीज द्वीप और लुकायन द्वीप। देखिए यहां से लेके और ये यहां तक का जो पार्ट है इसको हम ग्रेटर एंटलीज द्वीप कहते हैं। ये इधर वाले देखिए जो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इन सब को हम मिला के लेसर एंटलीज द्वीप समूह कहते हैं। और लुकायन देखिए जहां पे ये बहामास लिखा हुआ है ये वाला जो पार्ट है इसको हम लुकायन पार्ट कहते हैं। तो ग्रेटर एंटलीज जो द्वीप है उसमें क्यूबा, हिस्पानियला द्वीप इस द्वीप को कहते हैं। इसमें 2 देश हैं, हेती और डोमिनियन रिपब्लिक। इसके अलावा जमैका है, कैमेन द्वीप है, ये सब भी इसी के पार्ट हैं, जमैका जहाँ से उसेन बोल्ट हैं। और लेसर एंटलीज द्वीप समूह है इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप समूह हैं, जैसे बारबाडोस हो गया, टेबेगो और त्रिनिदाद हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जरूर आप ध्यान में रखिए, एंटीगुआ हो गया। इसके अलावा जो लुकायन है उसमें बहामास हो गया और तुर्क और कोकोस द्वीप समूह हो गया। तो ये सब मेन जो इसमें नाम दिए हुए हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन 3 पार्ट्स में इनकी लोकेशन जरूर ध्यान में रखनी है। जैसे बहामास द्वीप देखेंगे, इसकी राजधानी नासाउ है, ये देश है बहामास, ये देखिए ये छोटे छोटे द्वीप पे देश है। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना है, ये चीनी के उत्पादन के लिए और साम्यवाद के लिए विख्यात है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप क्यूबा संकट के बारे में भी पढ़ेंगे। जमैका, इसकी राजधानी किंगस्टन है। इसके अलावा हेती, देखिए ये हेती है, ये पोर्टुल प्रिंस इसकी राजधानी है। और डोमिनिकन गणराज्य, ये देखिए ये डोमिनिकन गणराज्य है, सेंटियांगो इसकी राजधानी है। और ये दोनों जो है हिस्पोनोला द्वीप पर हैं, ये जो द्वीप है इसको हिस्पोनोला द्वीप कहते हैं और ये एक ही द्वीप है। ये जमैका हो गया। कैमेन द्वीप समूह है, देखिए यहाँ पे एक कैमेन आइलैंड है जो यूके की टेरिटरी है, और यह यहाँ पे कई सारी जो सेल कंपनियाँ हैं वो स्थापित की जाती हैं, और ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी होने के कारण यहाँ पे जैसे इनकम टैक्स में एक टर्म होता है ट्रांसफर प्राइसिंग, उन सब के कानून यहाँ पे लागू नहीं होते हैं और ये टैक्स चोरी का अड्डा बना हुआ है ये कैमेन आइलैंड जो है। इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है कि है क्यूबा से नीचे है। एक और टेरिटरी है ये वर्जिन आइलैंड है, इसकी भी लोकेशन आपको देखनी है। प्यूर्टो रिको, ये यूएसए का क्षेत्र है, तो इसके बारे में सैन जुआन, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये यूएसए का क्षेत्र है, यूएसए की ओवरसीज टेरिटरी है, तो इसकी भी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है, इसकी राजधानी और ये किस देश के अंडर में है, ये तीनों चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इसके नीचे जो है कैरेबियन सागर है उत्तर में,
उत्तरी अटलांटिक सागर है इधर, यहाँ पे इसमें मेक्सिको की खाड़ी है, तो चारों तरफ के जो सागर हैं ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। अब एक और लोकेशन जो कि यूएसए की मुख्य भूमि से दूर स्थित है, यूएसए का एक राज्य है, वो है हवाई द्वीप। ये देखिए, ये कनाडा हो गया, ये यूएसए हो गया, और ये प्रशांत महासागर में यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे ये एरो लगा हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे हवाई द्वीप समूह स्थित है। ये यूएसए का एक राज्य भी है। यहाँ पे ज़्यादातर जो द्वीप हैं, करीब यहाँ पे 137 से ज़्यादा द्वीप हैं। यहाँ पे ज़्यादातर द्वीप एटोल हैं या फिर समुद्री पर्वत हैं। एटोल जब आप एनवायरनमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह से प्रवाल से बने हुए जो द्वीप हैं उनको एटोल कहा जाता है। समुद्री पर्वत होते हैं, जब पर्वत का पार्ट समुद्र की सतह से ऊपर उठ जाता है उसको समुद्री पर्वत कहते हैं। तो ज़्यादातर द्वीप हैं यहाँ पे वही हैं। हवाई द्वीप समूह है, जैव विविधता और रणनीतिक लोकेशन के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होनोलुलु यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ सबसे जो ज़्यादा मानव बसे हुए हैं वो होनोलुलु शहर में ही है। पर्ल हार्बर एक इंपॉर्टेंट है, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। पर्ल हार्बर वो जगह है जहाँ पे जापान ने 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए के नेवल बेस पे बमबारी की थी, तो वो भी जगह हवाई द्वीप में ही स्थित है। आज के हमारे नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में इतना ही है। अगर आपका कोई भी सुझाव सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए।